पूरे राज्य के उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा विकास कोष की राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। उल्लंघन की बात आएगी तो सरकार जरूर जांच कराएगी। वैसे बिहार राजकीयकृत उच्च विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन एवं संचालन नियमावली 2022 के विपरीत शिक्षा विभाग ने ज्ञापन 191 दिनांक 20/7/2023 द्वारा 50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक विद्यालय के विकास एवं सामग्रियों के क्रय हेतु प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को अधिकार दिया है, जो नियमानुकूल नहीं है। उक्त आदेश के कारण प्रबंध समिति की अनुमति के बिना उच्च विद्यालय बिहार शरीफ नालंदा के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विकास कोष की जमा राशि का निकाल कर बंदरबांट किया जा रहा है। इसी तरह पूरे राज्य के उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा विकास कोष की राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के ज्ञापन 191 दिनांक 20/7/2022 द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देश बिहार अराजकीय माध्यमिक उच्च विद्यालय प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण अधिनियम 1961 एवं नियमावली 3/9/2022 जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था के विपरीत है। अतः विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश को तत्काल रद्द करते हुए पूर्ववत रखते हुए राज्य के सभी उच्च विद्यालयों में हो रहे विकास कोष की राशि की बंदरबांट को रोकने के लिए और मुख्यालय से जांच कराते हुए जांचोपरांत दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, उल्लंघन की बात आएगी तो सरकार जरूर जांच कराएगी। वैसे अरे पहले सुना जाए, अरे उत्तर सुनिए, शांति शांति, पहले उत्तर सुनिए। पूरी बात सुन के बोलते तो अच्छा होता। महोदय, हमने ये कहा है कि जो ध्यानाकर्षण में जिस नियमावली का जिक्र है 2022 की, 2022 की नियमावली के 16 क में यही वर्णित है कि छात्र कोष या विकास कोष की राशि का व्यय निर्गत विभागीय पत्र परिपत्र एवं निदेश के आलोक में किया जाएगा, और उसी के तहत जो पहले 2.5 लाख की सीमा थी उसको बढ़ा के अब 5 लाख तक की सीमा की गई है। इतने फर्क आया है। लेकिन माननीय सदस्य जो कह रहे हैं महोदय, वो गंभीर बात है। सीमा बढ़ाना अलग बात है, लेकिन सीमा कोई भी हो, चाहे 2.5 लाख तक की ही सीमा थी, तो राशि के दुरुपयोग या गबन को सरकार किसी भी हालत में छोड़ना या बख्शना नहीं चाहती है। और महोदय, हम तो चाहते थे कि अगर अलग विद्यालय का देते तो एक विद्यालय का जिक्र इन्होंने कर दिया है, उच्च विद्यालय बिहार शरीफ नालंदा। महोदय, हम लोग के विभाग के तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसमें उच्च विद्यालय बिहार शरीफ के नाम से कोई विद्यालय नहीं है। वहां जो विद्यालय है, एक मुख्यालय में है आदर्श उच्च विद्यालय, दूसरा है बिहार टाउन उच्च विद्यालय बिहार शरीफ, तीसरा है गवर्नमेंट उच्च विद्यालय राणा वीघा बिहार शरीफ, चौथा है उच्च विद्यालय बड़ी पहाड़ी बिहार शरीफ, जो फिर अलग है नालंदा कॉलेजिएट प्लस टू उच्च विद्यालय, फिर अलग है एसएस बालिका उच्च विद्यालय। इन सब नामों से विद्यालय हैं वहाँ। हम चाहते हैं महोदय, बल्कि विभाग को अच्छा लगेगा कि जिस भी विद्यालय में, हम सभी माननीय सदस्यों को कहते हैं, राशि के बंदरबांट की गई है या करने की साजिश चल रही है, इसकी सूचना दें, तुरंत अधिकारियों को निर्देश देकर ये नहीं होने देने की व्यवस्था सरकार करेगी। सुनील जी, महोदय,
माननीय राज्यपाल के अध्यादेश दिनांक 3/9/2022 जो माध्यमिक और उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति के गठन के लिए जारी किया गया था उसके खंड 16 ख का अवलोकन करेंगे तो उसमें उद्धृत है कि विद्यालय के विकास कार्य योजना मद कार्य के लिए प्रबंध समिति ही स्वीकृत प्रदान करेंगे। योजना कार्य को समापन करने हेतु राशि की भी स्वीकृति प्रबंध समिति ही प्रदान करेगी। विकास निधि विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूरक क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हमारा पूरक ये है अध्यक्ष महोदय कि जब पहले से प्रावधान था और हम तो अपने क्षेत्र में विकास राशि का बंदरबाट न हो इसके लिए प्रबंध समिति में दो व्यक्तियों को निर्देशित किया गया था कि वही बैंक खाते संचालन करेंगे। प्रबंध समिति में एक सरकारी पदाधिकारी का योगदान करना भी है, हमने सीईओ और हेडमास्टर को रखा था, प्रधानाध्यापक को रखा था। अभी राज्यपाल के अध्यादेश के विरोध में उसके विपरीत नियमाकुल नियम के विपरीत सरकार के एक पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को बिना प्रबंध समिति के सूचना के या बिना प्रबंध समिति के निर्देश के 50,000 से 5,00,000 तक का बैंक से विड्रॉ करके खर्च करने का प्रावधान कर दिया, जिसके कारण पूरे बिहार राज्य में पैसों का बंदरबाट हो रहा है। हमारे बिहार शरीफ का मतलब था बिहार शरीफ विधानसभा, क्योंकि आपका शब्दों का लिमिटेशन है इसीलिए हम उसको तालमेल बैठाकर उसको लिखे थे, लेकिन विधानसभा कहना था। दूसरा, इससे अति उत्साह में प्रधानाध्यापक ने प्रबंध समिति के किसी भी निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी उच्च विद्यालय प्लस टू में तो प्रधानाध्यापक ने इतना तक कर दिया कि बिना प्रबंध समिति के आदेश के या निर्णय के भवन को भी तोड़वा दिया और अवशेष को भी बेच दिया। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जिस तरह पूर्वत हम लोग का था वो वैसा ही रहे, बिना प्रबंध समिति के निर्णय के कोई भी पैसे का खर्च नहीं हो। माननीय मंत्री महोदय, सबसे तो पहले हम सदन में स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रबंध समिति के अधिकारों में कहीं कटौती नहीं की गई है। पहले पूरी बात सुन के हंसते तो हमको अच्छा लगता, वरना आपके हंसी पर हमको हंसी आ रही है। महोदय बैठिए, ललित जी बैठिए। महोदय देखिए, महोदय ये तो मेरा सौभाग्य है कि अगर हमको देख के इनका दिल खुश होता है, हंसने लगते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। महोदय हमने कहा कि प्रबंध समिति के अधिकारों में कटौती नहीं की गई है और ये राशि की जो सीमा बढ़ाई गई है उसमें भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं और सभी सदस्यों को सूचित करना चाहते हैं कि राशि की सीमा बढ़ाने का मतलब प्रबंध समिति के अधिकारों में कटौती नहीं है। पहले जो राशि थी वो राशि भी प्रधानाध्यापक खर्च करके प्रबंध समिति से अप्रूवल लेते थे। महोदय यही था, आखिर नहीं था तो राशि की सीमा क्यों थी? अगर हम तो कह रहे हैं प्रबंध समिति के हक की बात कर रहे हैं कि 50,000 की सीमा तक में भी अगर प्रधानाध्यापक खर्च किया है और प्रबंध समिति उसको गलत मानती है तो उसकी जांच करा के रिपोर्ट दीजिए। हम उस पर भी किसी को अधिकार देने का मतलब, महोदय किसी को अधिकार देने का मतलब उसको गड़बड़ी करने की छूट नहीं होती है। और हमने ये कहा है कि ये सिर्फ सीमा, और सीमा का अर्थ ये होता है महोदय कि उस सीमा तक
प्रधानाध्यापक उस काम को करके तब प्रबंध समिति की अनुमति लेने का उनको छूट है। अगर उससे ज्यादा का है तो वो, अगर राशि उससे भी ज्यादा है तो बिना प्रबंध समिति के अनुमोदन या पास करने के वो नहीं कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। आप दीजिए, हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री शब्दों के जादूगर हैं। आपका अंतिम प्रश्न है, अब बोलिए। शब्दों के जादूगर हैं और प्रश्न को घुमा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अध्यादेश दिनांक 3/9/2022 में स्पेशली उद्धृत है कि बिना प्रबंध समिति के निर्देश के एक भी पैसे खर्च नहीं हो सकते, और नियमावली भी है, जो नियम है उसके अनुसार प्रबंध समिति के अध्यक्ष विधायक होते हैं, सचिव प्रधानाध्यापक होते हैं, एक सीनियर टीचर सदस्य होते हैं, एक दानदात्री समिति सदस्य होता है, एक अनुसूचित जाति महिला सदस्य होती है, और एक सरकारी पदाधिकारी सदस्य होता है। हम लोगों ने बिहार शरीफ में इस राशि का, विकास कोष का दुरुपयोग को रोकने के लिए हमने प्रधानाध्यापक के साथ अंचलाधिकारी को ज्वाइंट में खाते ऑपरेट करने का, ये तो आप बता चुके हैं, दोबारा रिपीट मत कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले जिस तरह की व्यवस्था थी वो पूर्ववत सरकार रखना चाहती है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।